यूपी विधानसभा चुनाव का अब रिजल्ट आ गया है और यूपी के कैबिनेट मिनिस्टर नंद गोपाल नंदी ने भी इस बार जीत दर्ज की है। आखिरकार इनकी जीत के क्या श्रेय है, इनसे जानेंगे किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा था और क्या होता। ये जीत किसका श्रेय मानते हैं, किसको जीत का श्रेय मानते हैं? जीत का पूरा श्रेय इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इस प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी जी, हम सब का परम सौभाग्य कि इस देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है और इस प्रदेश की बागडोर एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों, जिन्होंने गुंडे माफियाओं का समूल नाश करने का बीड़ा उठाया और लगभग गुंडों की समाप्ति हो गई। इस प्रदेश के अंतिम गांव तक विकास की रोशनी कैसे पहुंचे, इस प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचे, उसके लिए दिन रात काम किया और आज पूरे प्रदेश में झूम करके नारे भी लग रहे हैं और गाने भी बज रहे हैं कि जो राम को लाएंगे हम उनको लाए हैं, हम उनको लाएंगे यूपी में, फिर से हम भगवा लहराएंगे, भगवा लहरा दिया। और एक जो सबसे बड़ी बात है कि घूस जाला बिलिया में सांप बिछी गोजर, जो ये गुंडे माफिया बदमाश मवाली हैं कि घूस जाला बिलिया में सांप बिछी गोजर, चलेला जब चाप के बाबा के बुलडोजर, तो ये बुलडोजर एक बहुत बड़ा जो गुंडे अपराधी और माफिया दिन रात इस प्रदेश को लूटने का काम करते थे, प्रदेश में तबाही मचाने का काम करते थे, प्रदेश को दंगे की आग में ढकेलने का काम करते थे और जो समाजवादी पार्टी के डीएनए में है, उनके खून में है, उनके डीएनए में है, उन्होंने इस प्रदेश को फिर से गुंडागर्दी की आग में झोंकने के लिए अनाप शनाप ईवीएम को लेकर के बयानबाजी की और जो उनकी बचकानी हरकत है, इतने बड़े प्रदेश के मुखिया रहे हैं और पूरे 5 साल या तो लैपटॉप पे गेम खेलने में या मोबाइल में गेम खेलने में बिता दिया, जब पूरी दुनिया कोरोना से करा रही थी तो उनका बयान ऐसी बचकानी हरकत कि ये भाजपा की वैक्सीन है हम नहीं लगाएंगे, इस देश के डॉक्टरों का, इस देश के वैज्ञानिकों का अपमान, कोई रिक्शे वाला ट्रॉली वाला जो गरीब से गरीब आदमी होगा उसकी भी इतनी छोटी सोच नहीं होगी कि किसी किराए के मकान में रह रहा हो, प्लास्टिक की टोटी लगाया हो तो वो खोल के ले ही ले जाता कि टूट जाएगी किसी काम नहीं आएगी। अभी बचकाना बयान उनका ईवीएम से छेड़छाड़, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, इनको पता नहीं है कि जब ईवीएम में वोट पड़ता है पुलिस पैरामिलिट्री की देख रेख में स्ट्रांग रूम में वो सील होता है और सीसीटीवी की निगरानी में हर समय रहता है, कोई भी उस सील को नहीं तोड़ सकता। मशीन में जब काउंटिंग होती है तो ऑब्जर्वर के साथ साथ हमारे काउंटिंग एजेंट, सभी पार्टियों के प्रत्याशी, सबकी देख रेख में होता है। एक ट्रेनिंग के लिए जो ईवीएम होती है उसी को मुद्दा बना करके ट्वीट करना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, प्रदेश को गुंडागर्दी, आप समझिए कि एसडीएम को समाजवादी पार्टी के गुंडे रोक करके उसकी गाड़ी चेक कर रहे हैं। ये तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ इलेक्शन कमीशन का, उन्होंने सख्त रुख अपनाते हुए कि ऐसे गुंडों और ऐसी कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे और जो अराजक करने वाले लोग थे मुंह की खाए, और प्रदेश की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो इस तरह से प्रचंड बहुमत देख करके भारतीय जनता पार्टी को जिताने, समाजवादी पार्टी को कोविड वैक्सीन लगा दिया जनता ने, समाजवादी पार्टी का वही हाल हो रहा है, ये समाप्त होती पार्टी है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव में कोई फर्क नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। यानी ये थे यूपी कैबिनेट मिनिस्टर सिद्धार्थनाथ सिंह जो चुनावी मैदान में थे और काफ़ी लंबी जीत दर्ज करी है। इनका ये कहना है इस बार जो मुद्दे थे उन मुद्दों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है और जनता का यही विश्वास था, इसी आधार पर इनको जीत दर्ज मिली है। वीडियो जनित विजेंद्र के साथ आनंद राज, NVT ऑनलाइन, प्रयागराज।